अब कमर में दर्द है, कमर दर्द के लिए बहुत तरह के आसन, उसके लिए भी मैं कम से कम बता रहा हूँ, उसमें तीन से पांच आसन बता देता हूँ बैठ करके कमर दर्द वालों के। अब ये तो बहुत इजी है ना, ऐसे आराम से कर सकते हैं जो जितना कर पाए। मेरी भी स्लिप डिस्क हुई हुई है और मैंने ठीक किया है योग से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कुछ तो मैंने स्वयं पर एक्सपीरियंस किया और बाकी लाखों करोड़ों लोगों पर जो अनुभव किया और योग का प्रयोग करके जो परिणाम सामने आए वो हमने आपको बताया। ये उष्ट्रासन कम से कम मैं बता रहा था कमर के लिए। फिर ऐसे ये भुजंगासन, इसके कई रूप होते हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अनुकूलता हो, भुजंगासन और फिर ये शलभासन है। और सीधे लेट करके कम से कम मरकट आसन, तो ये चार आसन तो जरूरी है, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकट आसन। बहुत ही ज्यादा दर्द हो तो फिर जो है मरकट आसन का फिर ये दूसरा रूप है, फिर इसका तीसरा है कि एक पैर को उठाया अपोजिट साइड में लेकर के आए, ऐसे फिर इस पैर को उठाया और उसको भी अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए ऐसे। तो इस तरह से मरकट आसन के बाद ज्यादा कमर में दर्द होने पर ऐसे ये एक एक पैर से ऐसे कर सकते हैं, एक पाद उत्थानासन, अर्ध पवन मुक्तासन बिना सिर उठाए, और ये कंधरासन जो पेट के लिए अभी बताया था, और ऐसे कठ उत्थानासन कमर को ऊपर नीचे ऐसे दबाए। इसी से कमर दर्द अच्छा हो जाता है। अब बताइए कमर दर्द से कितने लोग परेशान हैं? कमर दर्द जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो फिर स्लिप डिस्क, शाटिका, लोमस पोलाइटिस, एंक्लोजिंग पोलाइटिस और ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ऑपरेशन के बाद बहुतों को तो पैरालिसिस हो जाता है, चाहे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है उसको सर्वाइकल स्पोलाइटिस आदि कहते हैं, फिर वो कंधे की तरफ दर्द आ जाता है तो फ्रोजन शोल्डर, बहुत तरह की समस्याएं। थोड़े से स्पाइनल कोड के लिए योगासन जरूरी है, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, चाहे आप एट्रैक्टर्स हैं, आप नेता, अभिनेता, किसान, जवान, आप फोर्स में हैं, कमर ठीक नहीं है ना, कोई गति नहीं, रीढ़ की हड्डी ठीक होना बहुत जरूरी है, उसके लिए योगासन के अलावा कोई उपाय नहीं, इसलिए मेरुदंड के लिए योगासन बहुत जरूरी है।